यू आर वॉचिंग बिट बीएनएस न्यूज। हेलो नमस्कार, हम दुनिया भर से क्रिप्टो न्यूज को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये आपको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज और क्रिप्टो की दुनिया में एजुकेट होने में मदद करेगा और साथ ही में क्रिप्टो के सारे अपडेट्स प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगा। विशेष रूप से न्यू क्रिप्टो ट्रेडर्स न्यूज को देखकर खुद को एजुकेट कर सकते हैं। हम किसी को कोई कॉइन सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस क्रिप्टो दुनिया में होने वाले अपडेट्स बता रहे हैं। आज की हेडलाइंस, ब्लॉकचेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने साउथ अफ्रीका में स्टैंडर्ड बैंक के साथ समझौता किया। 4 मिलियन शिबा इनू टोकन्स एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बर्न किए गए। पिछले 24 घंटों में टोटल 19 मिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न किए गए। शिबा इनू इराक तक पहुंच गया है क्योंकि ईस्पोर्टा ने पेमेंट मेथड के लिए शिबा इनू को ऐड कर दिया है। एडीलैंड के सीईओ कैस्पर कॉस्किंस ने कहा कि हम कार्डानो पर एक सिक्योर लोन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। इलॉन मस्क के नए ट्वीट ने डोज और शिप होल्डर्स को हैरान कर दिया। एकॉन ने अपने अगले एल्बम को NFT के रूप में रिलीज करने की योजना बनाई। एक UFC हेवीवेट चैंपियन अपने अगले फाइट पर्स का 50% बिटकॉइन में स्वीकार करना कंसीडर कर रहे हैं। बिटकॉइन ने एक वोलेटाइल वीक के बाद $43,000 के मार्क को रिक्लेम किया। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अधिक लोकप्रिय हो रही है क्योंकि सभी नेटवर्क गतिविधियों के लिए विश्वास पैदा कर रही है और नीचे की रेखा बढ़ रही है। ब्लॉकचेन के माध्यम से लोग अपने सभी व्यक्तिगत और व्यावसायिक डेटा के लिए सुरक्षित और सुरक्षित पहुंच का अनुभव कर रहे हैं। इस प्रकार अत्यधिक ब्लॉकचेन लाभ प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने स्टैंडर्ड बैंक के साथ समझदारी की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के सबसे अच्छे और सबसे बड़े बैंक में से एक है। इसके अलावा ये समझदारी कई सेवाओं को सहयोग करने के लिए और अधिक लाभ करेगी। एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स, एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्चर्स की तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च तकनीकों को सिखाने के लिए और यह वास्तविक बाजार की आवश्यकताओं के साथ ब्लॉकचेन के टेक्निकल फंक्शनैलिटीज के बीच की गैप को भी कनेक्ट करेगा। शिबन के अनुसार पिछले 24 घंटे में एक और 19 मिलियन शिबा इनू टोकन प्रचलन से बाहर हो गए हैं, जिससे कि कुल जले हुए टोकन 410 ट्रिलियन हो गए हैं, जो कि इनिशियल सप्लाई 1 क्वाड्रिलियन के 41% है। पिछले 24 घंटे में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन 4 मिलियन शिबा टोकन्स को बर्न करने का था। ईस्पोर्टा फिटनेस क्लब के अनुसार वो अब सेफ मून शिबा, इथेरियम, USDT और BNB का भुगतान पेमेंट मेथड के रूप में स्वीकार करेगा। ईस्पोर्टा का इरबिल इराक में स्थित है। ये देखकर अच्छा लगा कि शिबा ने इतनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली है कि हर देश का व्यवसाय शिबा इनू में भुगतान के लिए तैयार है। ईस्पोर्टा के पास वजन कम करने और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए राज्य उपकरण और कार्डियो जरूरतों के लिए कार्डियो मशीन जैसे अलग अलग उपकरण अवेलेबल है। एडीलैंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग कंपनी है, के सीईओ ने इंटरव्यू के दौरान ये बताया कि वह उनके कंपनी में कार्डानो पर बेस्ड लेंडिंग सिस्टम बना रहे हैं, जो कि स्केलेबल, ट्रस्टलेट और डिसेंट्रलाइज्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल होगा। एडीलैंड उपधारों के लिए और उधारकर्ताओं के बीच शक्ति का संतुलन वापस लाएगा। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कार्डानो पर बेस्ड प्रोटोकॉल होगा जिसका इस्तेमाल लोग लोन को लेने के लिए और लोन देने के लिए कर सकते हैं। टेस्ला बॉस मल्टी बिलियनर इलॉन मस्क ने प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी डोज और शिबा इनू के समुदाय को आश्चर्यचकित कर दिया है। क्रिप्टोकरेंसी के साथ अक्सर ट्वीट करते हुए मस्क ने केवल एक शब्द टॉप के ऊपर की ओर तीर इमोजी के साथ ट्वीट किया है। विभिन्न कॉइन्स का समर्थन करने वाले क्रिप्टो समुदाय ने तुरंत स्पष्टीकरण की मांगना शुरू कर दी है। डोज और शिप के समर्थक अब तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं, ये सोचकर कि क्या इलॉन के ट्वीट का मतलब शिप या डोज कॉइन टू द मून था या नहीं। ग्रैमी नॉमिनी एकॉन ने अपना अगला एल्बम NFT के माध्यम से जारी करने की योजना बनाई है। एसक्यूएल मैगजीन के साथ विशेष इंटरव्यू में गायक ने डिजिटल संपत्ति की क्षमता पर चर्चा की और NFT संगीत उद्योग में कलाकारों की मदद कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन किया। उन्होंने बताया कि हाल ही के वर्षों में कलाकारों ने अक्सर शिकायत की है कि संगीत ट्रेडिंग सर्विसेज उन्हें उनके गीतों के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं करती है। एकॉन का कहना यह है कि NFT यहाँ संगीत और अन्य संग्रहणीय वस्तुओं को डिजिटल प्रतिनिधित्व इस बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी प्रदान करता है कि एक म्यूजिकल ट्रैक कहाँ चलाया जा रहा है, कौन इसे बजा रहा है और ये कितने बार स्ट्रीम किया गया। इंटरनेशनल स्तर पर क्रिप्टोकरेंसी अपने साथ बड़ी संख्या में मशहूर हस्तियां और एथलीट बिटकॉइन जैसे डिजिटल संपत्ति में अपना वेतन प्राप्त कर रही है। विशेष रूप से UFC हेवीवेट चैंपियन फ्रांसिस नगाव ने 14 जैन को ट्विटर पर खुलासा किया कि वह अपने अगले फाइट पर्स का 50% बिटकॉइन में लेने का विचार कर रहे हैं। कैमरून, जिसकी अगली लड़ाई 22 जनवरी को होनी है, ने खुलासा किया कि क्रिप्टो स्पेस में अपने परिवार और दोस्तों के साथ बात कर रहा हूं। अफ्रीका में बिटकॉइन बहुत बड़ा है और इसमें
अपना आधा फाइट पर्स लेने का सोच रहा हूँ, बिटकॉइन फ्यूचर है और मैं आस्तिक हूँ, उन्होंने ये ट्वीट किया। कल गिरावट के बाद $42,000 के स्तर के करीब प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन पलट गया और लगभग $43,000 तक बढ़ गया। बाकी अल्टकॉइंस भी हरे रंग में आते हुए दिखाई दिए गए। BNB $500 के करीब हो रहा है और लाइटकॉइन और एटम के अधिक प्रभावशाली लाभ हो रहे हैं। पिछले कुछ दिन मूल क्रिप्टोकरेंसी के लिए काफी सकारात्मक लग रहा था। ये संपत्ति सोमवार को $40,000 से नीचे गिर गई थी और अब धीरे धीरे मूल्य में ऊपर आ रही है। बिटकॉइन का प्राइस अब लगभग $43,000 है और मार्केट कैप $800 बिलियन से ऊपर है।